मित्रों, बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि जब हमारा जम्मू कश्मीर राज्य और पूरा भारत प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा सहयोग कर रहा है, जम्मू कश्मीर के प्रशासन के साथ पूरा पूरा हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जन विरोधी, जम्मू कश्मीर विरोधी ऐसी नीतियां आ रही हैं कि जिससे हमारा मन जो है, मनोबल टूट रहा है। जिस प्रकार से डोमिसाइल का कोरोना वायरस फैलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और ये वायरस जो है ये पूरे जिंदगी भर के लिए बेरोजगार नौजवानों के लिए एक वायरस साबित होगा, जो कोरोना से भी ज्यादा घातक वायरस है। और उसके बाद हम गरीब मार झेल रहे हैं, हमारी रियासत का तहस नहस कर दिया, हमें यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, हमारा दर्जा घटा दिया, विशेष अधिकार छीनने के बावजूद भी डोमिसाइल लागू कर दिया, और ऊपर से करों का बोझ। सरोड टोल प्लाजा पहले लगाया, बन टोल प्लाजा लगाया, अब एक और टोल प्लाजा लखनपुर टोल प्लाजा खड़ा कर दिया गया, और इसके साथ साथ टोल प्लाजाओं के रेट्स जो थे वो भी बढ़ा दिए गए। ये कैसी बेइंसाफी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हो रही है। एक तरफ हम गरीबी से जूझ रहे हैं, महामारी के शिकार हैं, और हमें हम प्रधानमंत्री जी के जो आज उन्होंने आदेश दिया है उसका स्वागत करते हैं। 5 अप्रैल को उन्होंने जो आह्वान और संदेश देश के नाम रात के 9 बजे के लिए दिया हुआ, हम उसका स्वागत करते हैं। हम इस जंग में, महामारी के आपदा के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि 1,70,000 करोड़ रुपए का धनराशि कोरोना वायरस को और गरीब जनता को राशन बांटने के लिए, दालें बांटने के लिए घोषणा की गई, लेकिन इसका एक पैसा भी अभी तक जम्मू कश्मीर में ना तो सैनिटाइजर्स बांटे गए, ना मास्क बांटे गए, ना राशन किसी को दिया गया, और ना ही किसी को धनराशि मदद के तौर के ऊपर दी। हमारा जम्मू कश्मीर राज्य 2 मुद्दों के ऊपर लड़ रहा है, एक तो महामारी के खिलाफ लड़ रहा है, और दूसरी जंग हमारी अब भूखमारी के साथ चल रही है, और तीसरी डोमिसाइल के कोरोना वायरस के विरोध में हमारा युवा का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। और हमारा दुख, मन बेहद दुखी है, बेहद परेशान है कि हम कैसे कहें, हमें ऐसा सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए, हमें अपनी खूबसूरत राज्य चाहिए, विशेष अधिकार चाहिए जिसमें हम सब सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।